हेलो गाइस, हमारे सभी वीडियोस आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ भारत के प्रमुख गवर्नर और वायसराय। अगर आधुनिक भारत की बात की जाए तो आधुनिक भारत में भारत के प्रमुख गवर्नर और वायसराय से संबंधित हर एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। और 25 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसी प्रीवियस एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और संभावित हैं इसी बार के एसएससी सीजीएल और सीपीओ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाए, रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाए। और इसी जो वीडियो है और जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर सभी वीडियोस की पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं और जिनकी भी पीडीएफ हम वहां पर अपलोड करते हैं वो सभी आपको मिल जाएगी। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और उससे पहले, सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरुआत हुई थी उसकी, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, याद कर लीजिए इसको अच्छे से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, ये किसने कहा, कथन होते हैं ना, कथन या बयान, इस तरीके से ये मान के चलिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, क्या ये बात सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, अब बताइए कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो यहां पर हमें ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन जो है हमारा सेकंड, केवल सेकंड वाला सही है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन जो डिवीजन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये आप जानते हैं, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, वो किया था लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश वायसरॉयस कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर ब्रिटिश की बात की जाए, आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कहे जाए तो वो थे सी राजगोपालाचारी, और वैसे अंतिम भी थे वो, है ना, लेकिन वो भारत के थे, जो भारतीय थे। क्लियर, चलिए आगे है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इनके साथ साथ दिया था राजा राममोहन राय। ठीक है, राममोहन राय, इनको आप जानते ही हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, और विलियम बेंटिंक, दोनों ने ही सती प्रथा को का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट आते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की जाए, मैसूर साम्राज्य को जब हम पढ़ते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पढ़ते हैं, तो टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है कि किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किया गया था लॉर्ड कैनिंग के प्रशासन के समय। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप कहते हैं ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया या दो ही क्वेश्चन है, तो यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह की वीडियोज मैं आगे भी लाता रहूंगा, आप चैनल से बस जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो वह है दिल्ली। बाकी बंबई विश्वविद्यालय भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा है, मद्रास भी, और कोलकाता, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।
नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में चार्टर कानून का एक हिस्सा इस तरह से लिखा गया था कि भारत का कोई भी मूल नहीं है और न ही इसके महामहिम के स्वाभाविक रूप में पैदा होने वाले किसी भी विषय को किसी भी स्थान पर रखने में अक्षम किया जाना चाहिए, धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसके चार्टर में लिखा गया था, किसके समय शासनकाल के समय लिखा गया था, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं है, सही ढंग से मेल नहीं है, तो वो जाता है लॉर्ड कर्जन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, जबकि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो 1905 के आसपास का है, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ, तो यहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही गलत है यहां पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को स्थगित करने तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन किस साथ ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासन के दौरान की गई थी, तो वह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ा था, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में जाना जाता है, और वो है लॉर्ड डलहौजी। कौन है आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन, ट्रिपल अलायंस का जो गठन हुआ था या समझौता किया था, वह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के बीच हुआ था ट्रिपल अलायंस का गठन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शिमला में वायसिरीगल लॉज और बॉटनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखता है और वर्ष 1988 में पहला निवासी भी बन गया, तो वो थे लॉर्ड डफरिन, जो कि शिमला में वायसिरीगल लॉज और बॉटनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखते थे, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट कि डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना गया है क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारों की अपनी योजनाओं में से एक नहीं था, तो वह था भारतीय श्रम और स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम। भारतीय श्रम की स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम, क्लियर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक, और वो हो जाते हैं लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, क्लियर। नेक्स्ट है कि वर्ष किस गवर्नर जनरल के तहत वर्ष 1878 में पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ठीक है, कि से घृणा थी, तो वो थे लॉर्ड लेटन। 1878 में पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, तो लॉर्ड लेटन। और अभी यही क्वेश्चन आया था लॉर्ड कर्जन के समय जो आया था, सही जोड़े मिलाने वाला कि कौन सा अलग है, तो वो उसका अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो उससे संबंधित है लॉर्ड लिटन, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी सही जोड़े मिलाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। सूची दो के साथ मेल सूची एक और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें, तो इधर है वायसरायगल लॉज लॉर्ड कर्जन, विक्टोरियल मेमोरियल लॉर्ड रिपन, बॉम्बे नगर निगम लॉर्ड डफरिन,
तो यहाँ पर जो बनता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनता है, यानी कि एका तीन वायसरागल लॉज है लॉर्ड डफरिन से संबंधित, अभी हम पढ़ रहे थे। बी का वन होता है विक्टोरिया मेमोरियल हो जाता है लॉर्ड कर्जन से संबंधित, ठीक है। बॉम्बे नगर हो जाता है लॉर्ड रिपन से संबंधित। तो ए का तीन, बी का एक और सी का दो, ये ऑप्शन यहाँ पर सही बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी सही जोड़े मिलाने टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं दो सूची दी हुई है, किंग जॉर्ज वी, लॉर्ड बेवेल, किप्स मिशन, लॉर्ड हार्डिंगे, कैबिनेट मिशन, लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, यहाँ पर ए का बनता है टू, किंग जॉर्ज वी हो गए, लॉर्ड हार्डिंगे, क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो वो हो जाती है लॉर्ड लिनलिथगो, और कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो वो जाते हैं लॉर्ड बेवेल, ठीक है, और साइमन कमीशन की बात की जाए तो वो हो जाते हैं लॉर्ड इरविन। क्लियर? तो ये इसका आंसर बी, ए का दो, बी का चार, सी का एक, डी का तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास को लक्ष्य रखा था? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे ने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाले दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉलेट अधिनियम जो सरकार के अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत करने के लिए अधिकृत करता है, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट हो जाता है कि जब गांधी जी, महात्मा गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया था, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय गवर्नर जनरल। क्लियर? नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर पेस अधिनियम, ठीक है, 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में जारी था लेकिन लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को। पूछा जाता है क्वेश्चन किसके समय में जारी किया गया और किसके टाइम में उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर हमने इन दोनों ही पॉइंट को पढ़ा। तो गाइज यहां पर हमने कंप्लीट किए 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और परेशान करते हैं हमेशा, ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, लॉर्ड चेम्सवुड हो गए, लिटन हो गए, रिपन हो गए, कॉर्नवालिस हो गए, डलहौजी हो गए, विलियम बेंटिक हो गए, तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस वीडियो के जरिए कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो, और जो अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, 25 अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो आपको इसी एक ही वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाए, और साथ ही इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाए। तो PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको पहले टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, तब आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम आपको सभी प्रकार की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। इस तो इसी तरह की और भी काम की वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, हम लगातार लाते रहेंगे, डेली बेसिस पे हम डेली एक जी की ऐसे ही जो जरूरी है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, जो कि देखिए आप जैसा कि SSC का भी ट्रेंड बदलता जा रहा है, क्वेश्चन कुछ अलग अलग ऐसे ही लेकर आ रहे हैं, तो उसी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम तैयार कर रहे हैं और वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले